नागरिकता संशोधन एक्ट यानी कि CAA के समर्थन में औद्योगिक शहर इंदौर में तिरंगा सम्मान का आयोजन रखा गया। दशहरा मैदान पर हुए इस आयोजन में करीब 55 से 60 हजार लोग शामिल हुए। भारत सुरक्षा मंच के बैनर तले रविवार को आयोजित कार्यक्रम में दोपहर 2 बजे से जन सैलाब उमड़ना शुरू हो गया। वहीं 3:20 पर राष्ट्रगान के साथ आयोजन खत्म हो गया। आपको बताना चाहेंगे कि मंच ने तिरंगा मार्च निकालने की अनुमति मांगी थी, लेकिन सुरक्षा कारणों के चलते जिला प्रशासन और पुलिस ने अनुमति नहीं दी। मंच ने उसका पालन किया और राष्ट्रगान के साथ ही कार्यक्रम खत्म कर दिया। वहीं आयोजन के अंत में जब लोग हाथों में तिरंगा लिए अपने अपने घर लौट रहे थे और सड़क की एक साइड में चल रहे थे, तब ऐसा लग रहा था मानो रैली निकल रही हो। वहीं मंच के पदाधिकारियों का दावा है कि इस आयोजन में करीब 2.5 लाख लोग जुटे थे। वहीं मंच पर मुख्य रूप से लक्ष्मण दास महाराज, अमृता राय, चैतन्य स्वामी, गोकुलोत्सव जी महाराज, अन्ना महाराज, राघवानंद गिरी, ओमानंद महाराज, संत नानक दास, प्रवीणनाथ, उदासीन आश्रम के जयेश दास, वीर बगीची के पावानंद, एक समाज के जसवीर सिंह गांधी सहित पूर्व क्रिकेटर अमय खुरासिया, प्राचार्य पुनीत नेहरू सहित अन्य लोग थे। मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था।